टूर्नामेंट नहीं होगा जोड़ा दौड़िया करम करम की बात हो बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक पुनिया जी, आपने बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। और राजेडिया साहब श्री चौहान मोहन जी, सुजीत सिंह दत्तरिया जी, जो कि AKFY के डिस्ट्रिक्ट फतेहबाद की एसोसिएशन के प्रधान है, और इनके लिए भी एक विशेष है क्योंकि ये खुद 1500 मीटर के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा अपने काफिले के साथ नोरंग राय जो बच्चों में लोग किया है आए अशोक पुनिया जी के साथ, बिल्कुल कितना बिल्कुल बिल्कुल। और ये पहले वाला बंदा दौड़ रहा था, साल में इसने 1,00,000 रुपए से ज्यादा इनाम जीत लिया होगा। बिल्कुल 1,00,000 रुपए तो वही किराया खराब कर दी, 5,00,000 में इसकी इनकम है बता दो। 20,00,000 में वो इतना लाख कर लो, 1,00,000 हो गया। बस 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 बड़ा बाप बिल्कुल। जानकारी के लिए बता दूं, एक दिन में 300 मीटर वो भी 4:25, 4:26 और 4:23 की लगाकर एक इतिहास रचने का काम किया दीपा सिसवाल ने। और कदमों से कहीं ना कहीं इस बच्चे में, इस युवा खिलाड़ी में वो चीज नजर आ रही है, वो आगे आने वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भारत की क्योंकि और दीपे के लिए मैं क्या बताऊं, जितना बताऊं दीपा अगर कि मैं क्यों नहीं बता पाऊँ। और बिल्कुल बता दूं मैं, दीपा प्रॉपर टाइमिंग करके दिन में तैयारी करता भाई, बता दूं मैं, एक तो प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट, अगर उस एथलीट की प्रॉपर चले तो वो क्या इतिहास रचेगा। ये वो महान एथलीट, वो महान पटिया का धनी दीपा सिसवाल लगातार भूखे प्यासे रह के आज अपनी प्रतिभा को निखार रहा है, संसार की पावधारा को निखार रहा है। कदम को देखिए, अरे बिल्कुल पाव को देखिए, तो सब ये बिल्कुल नेचुरल चल रहा है, इसकी कोई वो नहीं है। अगर इसकी बिजली कोई भड़कने वाला हो ना तो ये लड़का पता नहीं क्या करते, ये भड़की नहीं लेती थी, इतनी व्यवस्था भी नहीं किसी की। और तीन राउंड को पूरे हफ्ते हुए और तीन राउंड में भी टाइमिंग की बात है। चल बेटे चल, शाबाश बढ़िया दम, चल चल चल, चक्कर एक रहेगा भले। दीपा भाई बता दूं तुम्हें, अगर टाइम है 5:22 तुम लगता पहले सीधा मार हुआ लास्ट 200 मीटर। देखिए कदमों का कॉम्बिनेशन देखिए, हाथों की रनिंग देखिए, क्या मिल्खा सिंह की कॉफी तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो 400 मीटर ही लोग रनिंग थे, फिर भी भविष्य का ये मिल्खा सिंह अपना अपनी चलो 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 च
दो नंबर चलो भाई चलो भाई चल चलो दस नंबर यो भाई नीचे वाला उठाओ इस ग्रुप को लीड कर रहा है बता दूं जानकारी के लिए विकास को बढ़त बनाए हुए गुंडो और सर के नाम लिखे गए नाम सर योगेश शर्मा सरपंच अकेडमी संचालक हमारे बीच नहीं जानता कहीं भी जाए सोशल मीडिया पर आपको आपका खेल कमेटी की तरफ से एथलीट खिलाड़ियों की तरफ से भगवान रूपी तरफ से साथियों की तरफ से वेलकम स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। एक और जानकारी के लिए बता दूं सफीर स्पोर्ट्स एकेडमी 2021 में एक बहुत बड़े सतर की कबड्डी नेशनल स्टाइल लीग करवा रही है जिसमें 8 टीमों का सिलेक्शन किया जाएगा पूरे इंडिया से बिना किसी फीस के और उसमें लाखों रुपए के आपको प्राइज दिए जाएंगे। तो लड़कियां बेटी जो है अपने आप को प्रिपेयर करें, प्रिपरेशन है वो अभी जारी रखें। सिलेक्शन जो है आपको जो निर्धारित स्थान किया गया है मैसेज आपके कोच साहिबान के पास मिल जाएगा। अगले महीने उसे अभी ट्रायल शुरू हो चुकी है तो लाखों की इनाम जीती है सफीर स्पोर्ट कबड्डी लीग में आए बिना किसी एंट्री फीस के पूरी सुरक्षा पूरा सहयोग पूरा आशीर्वाद सफीर स्पोर्ट एकेडमी की। शाबाश शाबाश बेटे गला गला चिपका रहो बढ़िया लगा चलो चल बेसब्री से इंतजार कर रहे कि कब हमारी मंजिल में कब तो वो बेटे अपने आप को वार्म अप कर ले ताकि जो 100 मीटर का इवेंट है वो फाइनल अभी हमारे टीम गाइस के सामने करवाया जाए। चल 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 शाबाश 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 सोलह सौ मीटर का जो इवेंट हम लगातार प्रगति पर और विकास करो लगातार अपने लीड को बरकरार रखते हुए तालियां मोटिवेशन कहीं ना कहीं किसी भी एथलीट को किसी भी खिलाड़ी को किसी भी कलाकार को प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो तालियों से इन बच्चों का स्वागत करें ताकि ये अपने परफॉर्मेंस में अपने अचीवमेंट में प्रदर्शन करने का काम करें। और राजू जी देखिए तीसरा ग्रुप का जो शेड्यूल हमारे पास पहुंचा है वो सुनिए भाई। मनवीर हासी अशोक कनो अमरजीत दौलतपुर सुमित कुमार दौलतपुर सोनू भेरिया अनूप भेरिया संदीप धांगड़ रोहतास हरीपुरा सोमवीर नेहरा प्रवीण बलगांव नीशु बलगांव रवि किनारा अजय कुमार किनारा अनूप किनारा अजय प्रवीण लहरिया चल चल लास्ट राउंड चल 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 यार लास्ट राउंड ये बाकी पामड़ा और विकास करो लगातार और मंगल मक्खन धनौता जयप्रकाश बहनी बादशाहपुर और राहुल किनारा ये अपने आप को वार्म अप कर लो लड़के वरों के ताले बजुर लगातार फाइनल हीट का ये फाइनल राउंड विकास करो और बाली पामड़ा अपने बागड़ी पामड़ा भाई बागड़ी पामड़ा लगातार अपनी लीड को कायम करते हुए और सभी एथलीट एक दूसरे को मात देते हुए जबरदस्त दूसरा और ये
बहुत जबरदस्त फिनिश आपके सामने। विकास करो बागड़ी पावड़ा, वैसे बागड़ी क्यों तो पावड़ा फिर भी नाम रखा गया है बागड़ी पावड़ा। चल 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 फर्स्ट बॉल आ गया जो चल बागड़ी ये एक नंबर भाई बढ़िया भाई बिल्कुल सभी बेटियों से मेरा निवेदन तो कोविड का चार राउंड हो गए अभी तो लोग नहीं खत्म हो गए चार बार ग्राउंड पर आए क्योंकि दौलतपुर गाड़ी के पास आते हैं दौलतपुर तो इन्होंने अपना आपके भी सारे ताऊ तैयार हो उनके साथ मेरे दादाजी श्री है जो भाइयों के दौलतपुर गाड़ी का फोटो रख लिया जावे छोटे भाई दूसरे बड़ा खजाना है तो उनसे खजाने की चाबी तेरे पास है। सर गुड न्यूज है मेरी एकेडमी के बच्चे की एक की मेरे गांव के लड़के की रिलेशन में आर्मी की भर्ती के लिए रोहिया भी मैसेज आया वो भर्ती के लिए गया था तो उस बेटे उस लड़के की मेरी एकेडमी का स्टूडेंट था अभी मैसेज आया कि सर मेरी रिलेशन की भर्ती क्लियर हो चुकी है मैं बेस्ट बेटा बिल्कुल जी वो तो आएगा तो उसको सम्मान ही दिया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल आठ सौ मीटर में वो बेटी पावड़ा की वो शान पावड़ा की सरजमी से निकली वो कली छोटी पावड़ा जिसने पिछले दिनों अनेक प्रतियोगिताओं में मेडल लेकर गांव पावड़ा की सरजमी का नाम समुन मकसरों में चमकाने का काम किया वो बेटी आपके मध्य है। पिछली साल अगर बात करें संदीप कुंडू किनारा की नेतृत्व में ट्रेनिंग कर रही वो बेटी बिंदर कुंडू किनारा पावड़ा की अंडर ट्रेनिंग कर रही वो बेटी पिछले साल कम से कम अपनी चैंपियनशिप अपने नाम कर चुकी है और बेटी जनकपुर की जानकारी के लिए बता दूं संदीप कुंडू किनौला के नेतृत्व में लगातार ट्रेनिंग करने का काम कर रही है जनकपुर के पावन धना पर संदीप कुंडू किनौला जी वहां पर दो तीन गाँव के जो बच्चे उनको ट्रेनिंग करवाने का काम कर रहे हैं करंटी बेटी भी संदीप कुंडू के अंदर ट्रेनिंग कर रही है और अभी उन्होंने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा किया है पहला बखान प्राप्त किया लगता है वो बेटी भी हमारे बीच होती है जिसने इंडिया कैंप 2019 के अंतर्गत जो टॉप पांच बेटियों का कैंप लगाया गया तो खरक पुनिया की बेटी उसमें शामिल थी बड़े गर्व की बात हमारी हिसार जिले के लिए गोरखपुर और अंकित गोरखपुर प्लीज एक बार अपना मोमेंटो ले एक बार आई भाई गोरखपुर से हमारे बहुत ही माननीय है सारी बात अंकित तो वैसे कोच का नाम भी दिया जा रहा है और बोलिंग का तो भाग बिल्कुल बिल्कुल और ये जीते इसमें अच्छे लगातार भारत बनाए हुए लगातार लीड किए हुए वहां से की
सही बोर्ड देखती है तेरी जबरदस्त तू मेरे नाम का काम कर की करो बोर्ड लग नहीं रहा दौड़ में इस इवेंट में लगातार अपने लीड को कायम करते हैं 100 मीटर की जो प्रथम स्थान की प्रथम स्थान तीसरा स्थान तो अभी पता है 1300 मीटर का ये इवेंट और ये गर्मे बारवा पोजीशन भाई तेरहवी पोजीशन है तेरा भाई तेरा नंबर याद रखी रहे 14 भाई हमारे हमेशा लेना एक तक भी आप नशा नहीं करेंगे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अगर हम नशा करते हैं हम इस देश से गद्दारी करते हैं अपने माँ बाप से गद्दारी करते हैं अपने समाज से गद्दारी करते हैं उस नशे में लिप्त अपने आप बोझ है अपने परिवार का बोझ है अपने समाज का बोझ है और इस देश का बोझ है हमारे समाज का आज हमारे समाज में धोतियों की बलि चढ़ाई जाती है जो कोर्ट में बलि चढ़ाई जाती है पूरी लगती है मुझे अपने आप खेत बेचने पड़ेंगे तब वो माँ बाप डरता है कि मैं एक बेटी को पाल लेके उसमें एक बेटी के दहेज के ऊपर में अपने पीछे पूरे परिवार की बलि दे जाऊंगा तब सभी परिवारों को लगता है इसीलिए आज भ्रूण हत्या होती है ये दहेज वो दाना है जो हमारी बेटियों को कोख में बांटता है हमारे युवाओं की भुजाओं में जिनमें ताकत है जो अपने भुजाओं से कमा सकते हैं उनको दहेज के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है इस गांव से पूछता हूँ क्या इस गांव के अंदर जो दहेज लाखों में आया है उस दहेज के एक भी किसी ने खरीदी है क्या उस दहेज के रूपए से किसी का विकास हुआ है परंतु उस दहेज के पैसे से उन पीछे बेटियों के घर के अंदर जरूर उनके घरों में शादी में जरूर हंसी होती है परंतु उनके मन के अंदर एक दुख होता है कि मैंने ग्रुप के जीवन बन गया सारे को मिला मेरे जो पीछे परिवार का है उनका हक आया है इसके लिए जो जमींदार जिम्मेदार है तो हम बेटों का हमारे युवाओं का फर्ज बनता है हमारी शादी के अंदर हम उन बेटियों के लिए कभी उनके घर से एक रुपया भी दहेज न लेके आए देखना हमारे देश के अंदर युवाओं की होती है उसमें 32 करोड़ जो आगे जाकर इस देश का नाम रोशन करेगी ये भाई अंकित दनोदा है तीसरा नंबर पर अंकित दनोदा बेटे अंकित मानगे
आप अपने परिवार अपने गांव अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो भाई इनका टाउन भाई चालिया कम है, चालिया कम है, चलो इनका जो रेट कितनी बात है जिन्हें मालूम है क्या प्रिंट करके रहे वो बहुत लेकिन माता बहुत ही कम समय में इतने मोदी ये तो सौदा है अलवर भाई आगे आए हुए थे और तीन नंबर चार नंबर ये कौन है भाई तीन नंबर भाई साइड में ला लो भाई ना छोड़ मेरा शाबाश 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 चार नंबर चार नंबर है भाई शाबाश शाबाश टाइम देखो भाई बस लिख दो यहाँ कह रहा कट्ठे रहा इंजी देखियो भाई स्कूल के नाम जहाँ पर लड़कियों की ओपन की नेशनल कबड्डी की ट्रेन होगी इनाम है लाखों रुपए। एक खुशी की बात है इस कबड्डी में भी इस जगत में भी चोर बढ़ रहे हैं लेकिन मैं संदीप भाई का धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल ट्रेल फीस फ्री है, जोड़ी भी बेटिया अगर नेशनल कबड्डी खेलती है ओपन में कोई एज का चक्कर नहीं, कोई एज का चक्कर नहीं, वो अपनी ट्रेल दीजिए जिसके अंदर 8 टीम बनाई जाएगी, हर टीम को इनाम होगा। पहला इनाम 1,00,000 रुपए है, इससे ज्यादा मेरे पास जानकारी 3,00,000। पहला इनाम 3,00,000, दूसरा 2 और तीसरा 1,00,000। फिर भी इनाम है, 8 टीमों को इनाम दिया जाएगा। खेल भी हमारी अकेडमी होगी ट्रेल ले जाओगे। कोई भी बिटिया अगर नेशनल कबड्डी की ट्रेल देना चाहते 29 तारीख को आ जाइए। खेल प्रमोटर श्री चांदीराम फौजी भी हमारे मध्य में रहेंगे और संदीप कुंडू कोच किनाला के मध्यस्था में यो ट्रेल होगी। जो भी बिटिया ट्रेल देना चाहती ट्रेल दे सकती 29 नवंबर 2020 को। सभी लड़कियों की इसके तुरंत बाद लड़कियों की रेस होगी भाई। शाबाश 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 शाबाश। तुरंत बाद लड़कियों की 800 मीटर की जो रेस होगी उन बिटियाओं से मेरा निवेदन है अपने आप को वार्म अप रखे। इसके तुरंत बाद रेस होगी 800 मीटर लड़कियों। Thank you.
ऊपर से छोटे उपकरण होते ऊपर साइड होते इसी बीच 1600 मीटर का जो लास्ट हिट है वो आपके मुख है और इसमें दुए ताल बैठे जो धावक है वो लगातार बनाए हुए देखिए और जहां तक मेरा विचार है बेस्ट टाइम जाएगा इस हिट का भाई अच्छा टाइम जाएगा पूरे ट्रैक पर है बच्चे वो बैक बना के पूरे राउंड को कवर कर चुके हैं ना मिला आपने ऐसी प्रतियोगिता करवाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद रगड़ जाए यार निमड़े उनके साइड में जो भाई बीच में आइए भाई एक मिनट रुक लिखवा दे नाम लिखवा दे सात नंबर का आठवां है ओके बस